अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे बाम फिश का शिकार करने, बाम मछली का शिकार करने इस नदी पे यहाँ पे, और यहीं पे मुझे खेलना है। मगर दोस्तों आज झींगा बहुत कम निकला क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है, बारिश हुई और नदी में बाढ़ आई, इसके कारण नदी पूरा भर चुका है। इसके लिए झींगा नहीं निकला, बहुत कम निकला, तो शिकार करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ झींगा बहुत ही ज़्यादा है मगर आज कम निकला इसके लिए क्योंकि पानी पूरा भर चुका है, आप खुद देखेंगे अभी स्पॉट पे। और दोस्तों आज मैं कुछ नया जानकारी देने वाला हूँ और फिर हम बाम फिश का शिकार करेंगे और भी तरीका हम बताएंगे दोस्तों दोहराने वीडियो में, तो आप वीडियो आखिर तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। और लाइक अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, तो आप वीडियो देखें और मज़े करें, एंजॉय करें। दोस्तों आज शिकार के लिए सिर्फ इतना ही झींगा है और एक दो टेपरी भी है, तो आज मैं इसी से शिकार करूंगा जो भी लगता है। दोस्तों झींगा कभी भी पीछे से लगाएं, मुंह तरफ से ना लगाएं, पीछे से लगाएं, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रहता है। दोस्तों एक में मैं टेपरी लगाता हूँ, हो सकता है इस पर बाम लगे, क्योंकि झींगा आज बहुत कम है इसके लिए मैं टेपरी लगा के देखता हूँ आज। तो दोस्तों रोड वगैरह पूरा सेटिंग हो चुका है और झींगा भी लग चुका है, तो अब मैं शिकार करता हूँ, डालता हूँ यहाँ पे। तो आपको दोस्तों कैसी लगी जानकारी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लें दोस्तों। आपको इसी तरह का जानकारी दिया जाएगा, बेहतर मालूमात दिया जाएगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं जानकारी लेके आऊँगा दोस्तों, और लेके आया भी हूँ। तो आप वीडियो को देखें आखिर तक और मैं शिकार करता हूँ। दोस्तों अपने को आज एक लग चुका है और ये टेपरी पे लगा, छोटी मछली पे, झींगे पे नहीं लगा। और झींगा भी डाला हूँ मैं और छोटी मछली भी डाला हूँ, तो बहुत अच्छा शिकार रहा, शुरुआत अच्छा रहा। दोस्तों बाम फिश का शिकार करने के लिए छोटा हुक लेना चाहिए, इसीलिए मैं छोटा हुक लिया हूँ और ये पूरा निगल चुका है। तो फिर मैं शिकार करता हूँ, देखता हूँ अगर और कुछ लगता है तो बेहतर। तो दोस्तों अब मैं इसका हुक निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिया है हुक, अंदर लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अंदर लिया हुक, यहाँ पे लिया बिल्कुल। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ फटाफट। दोस्तों बाम फिश अगर हुक निकल जाए तो ये आसान तरीका है निकालने का, हुक को निकाल के इधर से और खोल देना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा निकालने में। ये हुक मैंने इधर से निकाल लिया और इधर से धागा खींच लिया।
तो दोस्तों कुछ इस तरह का टेपरी रहता है जिससे आप शिकार कर सकते हैं, और भी छोटी छोटी मछलियां हैं जिससे आप काट काट के हुक में लगा के शिकार कर सकते हैं। फंसा? पिछले बार मेरा रोड लेके चला गया था डायरेक्ट, बाम ही है, बाम ही अच्छा साइज है। सरक सरक वहां से सरक ना तू सरक के सरक उसमें लगा हुआ एक नंबर साइज है। कपड़ा ले जिसमें कपड़ा है वो डिक्की में ले। दोस्तों मैं अब छोटी मछली को काट के लगाता हूँ हुक पे। झींगा खत्म हो चुका है, इसके लिए छोटी मछली को काट के लगा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कुछ लगता है तो लेके जा रहा है। ले यार जल्दी तो ले। अरे क्या फंसा है, क्या फंसा है तो पोठा फिश है। सोचा बाम है, काफी आराम से लेके गया। रे 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 स्पेस 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 क्या है भाई, बड़े आराम से लेके जा रहा है, शायद बाम ही होगा इंशाल्लाह। चल लेके जा लेके जा, देखता हूँ मार के। अरे भैया ये क्या, मैं सोचा कोई बड़ी साइज का कुछ होगा, ये मिला। वाह भैया वाह, खाली फोकट का मेरा झींगा बर्बाद कर दिया। चल जा, हाथ में ही रहेगा क्या? अच्छा जाने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों छोटे झींगे पे छोटी मछली आ रहा है, बड़ी का तो आज किस्मत नहीं है, अपने को एक ही लगा बाम बड़ी साइज का। और तो रोड वगैरह मैं उठा लेता हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है रुक के, यही सब लगने वाला है क्योंकि झींगा अपने पास जो साइज का झींगा रहता है वो है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, झींगा निकल ही नहीं रहा यहाँ पे नदी पे, यहीं पे झींगा निकालते थे पहले, तो पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया इसके कारण, जहाँ पे वो घास जो रहती थी वो पानी के अंदर चला गया, उस पर ही झींगा निकलती थी, तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो रोड में उठा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही, बाय।